हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल मेंटर में। हम लोग अपनी सीडीपी के स्पेशल सीरीज में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है। उसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। आप लोगों को, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यह सीरीज सीटेट में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर होने वाली है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इतना ही हमारी वीडियो से कर लेते हैं तो सीडीपी में 25 प्लस तो मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपको स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हाँ, तो हम लोग आज सीखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग सीखेंगे। पहला है हमारा, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? एक क्रमिक, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक सतत विकास की प्रक्रिया है। सतत मतलब, आप लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को ध्यान हो कि मैंने बताया था, विकास जो होता है गर्भ से लेके कब्र तक, यानी कि अंतिम पायदान तक होता है, आपके मरणोपरांत यानी कि मरने तक होता है। ठीक है, तो विकास क्या, हमारे जीवन के आरंभ से अंत तक होता है। इसको बोलते हैं वूम टू टूम्ब, यानी कि गर्भ से कब्र तक होता है ना, कॉन्टिन्यूस होता है। मतलब कि आप जब से आपका जन्म हुआ या उससे पहले जब आप माता के गर्भ में आए, तब से आपका शारीरिक विकास होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब आप इस दुनिया में आए, फिर आपका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, धीरे धीरे हर तरह के आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस होते चले गए। तो इससे क्या हमको पता चलता है कि जो विकास है वो क्या है, एक सतत प्रक्रिया है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट है, डेवलपमेंट इज ऑर्डरली, यानी कि जो विकास है एक क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है उसमें क्या बताते हैं कि जब बालक माता के गर्भ में आता है तो सबसे पहले उसके सिर का निर्माण होता है, है ना, यानी कि उसका पहले, सबसे पहले उसका सिर तैयार होता है, उसके बाद बाकी के अंग, हाथ पैर, उसके बाद धीरे धीरे तैयार होते हैं। तो ये क्या बताता है हमको कि डेवलपमेंट इज ऑर्डरली प्रक्रिया, यानी कि जो विकास है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप लोग को, जैसे कि जैसे बालक है छोटा सा, उसको स्कूल में भेजा जाता है तो वो क्या डायरेक्ट ही सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट कर देता है? नहीं, उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, ABCD सिखाते हैं या छोटा बड़ा सिखाते हैं, फिर छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर, यानी कि छोटे छोटे अक्षर को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं और उसको पढ़ना सिखाते हैं, फिर छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्य पढ़ना सिखाते हैं, तब कहीं वो जाकर किसी पैराग्राफ को या गद्यांश पद्यांश को पढ़ पाता है। क्या हम लोगों ने एकदम से उसको पढ़ाया? नहीं, उसको हम लोगों ने धीरे धीरे ऑर्डरली सिखाया, क्रमिक रूप से सिखाया, पहले लेटर्स, फिर उसके लिए वर्ड्स, फिर पैराग्राफ। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ऑर्डर से सिखाया। तो डेवलपमेंट क्या है, इज अ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डरली प्रोसेस है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज। रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि आपका कोई साथी है, उसका जो IQ लेवल है वो थोड़ा सा कम है, या मान लीजिए IQ लेवल बराबर है लेकिन जो आप कर पाते हैं वो दूसरा नहीं कर पाता, या आप मान लीजिए कि आपका जो सोशल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और जो आपका मित्र है उसका डेवलपमेंट थोड़ा सा कम है लेकिन आपकी एज सेम है, तो क्या होता है, जो डेवलपमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का डेवलपमेंट हाई होता है एक स्टेज पे, किसी का डेवलपमेंट एवरेज होता है और किसी का कम होता है। इससे पता चलता है जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनकी आयु तो बढ़ जाती है लेकिन उनका डेवलपमेंट क्या होता है, लो होता है। इससे क्या पता चलता है, जो डेवलपमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके सीटेट एग्जाम के लिए, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए कॉपी में और उस पर लगाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स जनरल टू स्पेसिफिक। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बताया है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स जनरल टू स्पेसिफिक, जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब कैसे आप मानेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मान लीजिए आप एक छोटा सा बालक है, वो स्टार्टिंग में उसका जो फंक्शनल जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले वो अपना हाथ हाथ हिलाना स्टार्ट करता है, फिर पैर हिलाना स्टार्ट करता है, गर्दन को स्टार्ट करता है हिलाना, नेक होल्डिंग करता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी उंगलियों से चीज़ों को छूने की कोशिश करता है। तो क्या हुआ इसमें, पहले वो जनरल चीज़ें कर रहा था, अपने जो
मोटर कॉस्टल यानी कि ग्रॉस मोटर है मतलब बड़ी मांसपेशियों वाले उनको कर रहा था, उसके बाद वह सूक्ष्म पे आया। या मान लीजिए आप कि किसी कोई बच्चा है या आप ही मान लीजिए आपने साहित्य या हिंदी में अभी अभी ज्वाइन की है, उसको थोड़ा सा पढ़ा है, तो आप उतनी गहरी बातें नहीं कर सकते जितना एक साहित्य का टीचर कर सकते हैं ना। धीरे धीरे अभ्यास के थ्रू आप पढ़ते पढ़ते आप एक विशिष्ट क्रम में पहुंच जाएंगे जब आप सूक्ष्म या विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके कुछ बता सकते हैं। तो पहले आपने क्या किया, सामान्य यानी कि जनरल बातें की, उसके बाद आप जब पढ़ते गए धीरे धीरे फिर आप विशिष्ट की ओर बढ़े, है ना। तो क्या बताता है डेवलपमेंट, ये क्या कहता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ठीक। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, ये फॉर्मूला है और इस पर आप नोट कीजिए और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लगाइए, ये आपको जितने मैंने क्वेश्चन बताए 1, 2, 3 ये सीटेड में कई बार या हम बोल सकते हैं हर बार पूछने जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेगा कि डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट या हेरिडिटी माइनस इन्वायरमेंट या हेरिडिटी इंटू या मल्टीप्लाई एनवायरमेंट, ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको टिक करना पड़ेगा, या आपको इबारती प्रश्न के थ्रू दे देगा, कोई एक सिचुएशन दे देगा उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या डेवलपमेंट हेरिडिटी के साथ बढ़ता है घटता है ऐसा, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं पहले, डेवलपमेंट इक्वल्स टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट। अभी इंटू क्यों लगाया है, इसका मतलब क्या है, जो हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता है वो पर्यावरण यानी कि वातावरण एनवायरमेंट का मल्टीपल होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बालक है, ठीक है, अगर उसका जो वंशानुक्रम है उसके माता पिता या उसके दादा दादी वो बहुत ही उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र थी या उनका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो बालक था वो एक सॉलिटरी में आया, मतलब कि एक ऐसे स्थान पर आया जहाँ ऐसे वातावरण में उसका जन्म हुआ जहाँ पर कि घर बहुत कम थे या सोशल इंटरेक्शन बहुत कम था, या मान लीजिए मम्मी पापा यहाँ पर हैं वो अपने किसी भी रिलेटिव के यहाँ पर उसका पालन पोषण हुआ, तो क्या हुआ उसके जो रिलेटिव के यहाँ हुआ वहाँ पर सोशल इम्पैक्ट बहुत कम था, तो उसका सामाजिक विकास कम हुआ। क्यों कम हुआ, क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, हालांकि उसके पास हेरिडिटी थी, आनुवांशिकता थी कि उसके माता पिता बहुत सोशल थे, लेकिन उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला कि वो सोशल हो जाए, तो उसका सोशल जो डेवलपमेंट होना था वो जितना होना था उससे कम हुआ, ठीक। अगर उसको यही डेवलपमेंट यानी कि यही एनवायरनमेंट उसके घर पर मिलता, उसके माता पिता के साथ मिलता, तो उसका जो सोशल डेवलपमेंट होता वो कई गुना ज़्यादा होता अपने माता पिता से। तो ये हमको क्या बताता है कि हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, अगर किसी बालक का जन्म हुआ है यदि उसके वंशानुक्रम के आधार पर ही उसको एनवायरनमेंट दिया जाता है तो उसका डेवलपमेंट बहुत ही हाई होता है। या मान लीजिए कोई बालक है उसके माता पिता एथलीट थे या फिर कोई भी फिजिकल वर्क करते थे, और उसके जो बालक है अगर उसको भी वैसा ही माहौल मिलेगा, यानी कि मान लीजिए उसके माता पिता बैडमिंटन प्लेयर थे, उसके जो बालक हुआ उसको भी अगर वैसा ही माहौल मिलेगा, अगर उसकी रुचि वैसी हुई वैसा ही एनवायरनमेंट मिला, तो क्या हो सकता है उसका जो डेवलपमेंट हो सकता है बहुत ही हाई हो सकता है। ऐसे अगर हम इसको उल्टा कर दें, मान लीजिए उसके माता पिता के थ्रू उसका जो वो हेरिडिटी मिली है आनुवांशिकता वो तो है उस लेवल की कि वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन उसको ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिला, उसको ट्रेनिंग ही नहीं मिली, तो क्या डेवलपमेंट उतना होगा, नहीं होगा। तो ये क्या बताता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिक्स नंबर क्या है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो एक पूर्वानुमान है, यानी कि उसको हम लोग बता सकते हैं कि बालक को बालक के स्टार्टिंग फेज में देख सकते हैं कि बालक आगे चलकर कितना ग्रोथ कर पाएगा। जैसे आप एक कहावत भी सुनी होगी आपने कि बच्चे के जो क्या होते हैं, बच्चे के गुण उसके पालने में दिख जाते हैं, ऐसी एक कहावत है ना। तो क्या बताता है कि डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी के पापा एथलीट प्लेयर थे, यानी कि उसके जो फैमिली में फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता था, तो हम कह सकते हैं कि बालक भी मेहनती हो सकता है, हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ठीक है। सेवन नंबर है, ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड, जितने भी डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं यानी कि क्षेत्र हैं वो सब क्या है, आपस में रिलेटेड हैं, यानी कि डेवलपमेंट के कौन कौन से
हम लोग बोल सकते हैं डोमेन्स है, मेजर डोमेन्स की बात करते हैं, तो क्या है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं? PCSE, P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल, E फॉर इमोशनल, ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल वर्क में क्या कहते हैं? अगर फिजिकल वर्क, मान लीजिए किसी, आप लोगों ने एक कहावत सुनी थी, एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो क्या बताया उन्होंने? अगर फिजिकल उसका डेवलपमेंट अच्छा है तो मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो क्या, अगर मेंटल डेवलपमेंट अच्छा है तो उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होगा, है ना, और सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, क्योंकि उसका इंटरेक्शन है वो लोगों से अच्छा होगा और अच्छे से बात करेगा। तो क्या कहते हैं कि ये जो चारों या और भी जितने भी डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के, वो आपस में कोरिलेटेड हैं, आपस में संबंधित हैं। ठीक है, ये कुछ डोमेन्स थे, यानी कि कुछ प्रिंसिपल थे डेवलपमेंट के। एक और प्रिंसिपल होता है, उसको अभी हम लोग समझते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, हमारे जो सीटेट में कई बार या हर बार ही पूछा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या होता है डेवलपमेंट का, यानी कि जो विकास की प्रक्रिया में उसका दिशा क्या होती है, वो कहाँ से किधर की ओर विकास चलता है। तो इसके दो डायरेक्शन होते हैं, हम लोग कह सकते हैं, पहला है सिफेलोकॉडल, यानी कि सिरोद पदोन्मुखी, दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि समीपस्थ दूरस्थ। इसको क्या कह सकते हैं? सिरोद पर्वोन्मुखी, यानी कि सिर से पैर की ओर, यानी कि जो सिफेलोकॉडल होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि बालक का, मैंने बताया ना आपको कि गर्भ में बालक का सबसे पहले सिर बनता है, उसके बाद उसके गर्दन के नीचे का भाग बनता है, तो सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है। यानी कि जब आप देखते हैं, जब बालक का जन्म होता है उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है बालक का, वो सिर से ज़्यादा होता है, उसके बाद नीचे के अंगों का होता है ना। तो क्या होता है? सिफेलोकॉडल मतलब सिर से पैर की ओर। दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि समीपस्थ दूरस्थ, यानी समीपस्थ दूरस्थ का मतलब है जो बालक का विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी कि सेंटर टू परिधि की ओर होता है उसका, है ना। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल, समीपस्थ दूरस्थ। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए बालक सबसे पहले क्या करता है, अपनी जो स्थूल गामक क्रियाएं हैं, यानी कि जो ग्रॉस मोटर है, यानी कि पूरे हाथ का संचालन करता है, फिर धीरे धीरे आकर वो अपनी उंगलियों के संचालन पे आता है। तो क्या हुआ, यहाँ से सेंटर टू पेरिफेरल गया, यानी कि सबसे लास्ट में गया, समीपस्थ दूरस्थ, समीप से दूर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरल, है ना। तो इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं? आप देख सकते हैं इसमें लिखा सिफेलोकॉडल, सी से हम लोग कर सकते हैं इसको सिर, सिफेलोकॉडल, सी से सिर। तो आप इसको याद कर लीजिए, इसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि सिफेलोकॉडल में क्या होता है? सिर होता है, सिर से यानी पैर की ओर। दूसरा बचा कौन? प्रॉक्सिमो डिस्टल, वो क्या होगा? समीपस्थ दूरस्थ, मध्य से बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो ये सब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको सीटेट में जो डेवलपमेंट से संबंधित, यानी कि उसके प्रिंसिपल या उसके कॉन्सेप्ट से संबंधित जो क्वेश्चन आते होंगे, आते हैं, उनके थोड़ी सी आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इतना कर लेते तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आराम कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो समय से मिल सके।